शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का बुधवार को भी असर देखने को मिला। महानगर में गोरखनाथ मंदिर, हरिओम नगर रोड, जिला पंचायत रोड, गोरखनाथ फ्लाईओवर सहित अन्य क्षेत्र में दुकानें बंद रहे, लेकिन सड़कों पर आवागमन जारी रहा। इस संबंध में SPCT सोनम कुमार ने कहा कि 41 जगहों पर बैरिकेटिंग किया गया है और हर जगह मुस्तैदी से चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त शेरनी दस्ता भी मूव कर रही है। SPCT ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और आगामी त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं तथा घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। जनता के सहयोग से ही कोरोना महामारी से निजात पाना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, हर जगह ड्यूटियाँ मुस्तैदी से चेक कर रही हैं लगातार। इसके अतिरिक्त हम लोग QRT को भी मूव कर रहे हैं, शेरनी दस्ता को भी मूव कर रहे हैं और पैदल गश्त भी कर रहे हैं। कल भी हमने पैदल गश्त किया था, आज रिक्रूट जो अंडर ट्रेनिंग महिला कांस्टेबल्स हैं उनके साथ पैदल गश्त किया गया। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से हम लोग घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि लोग इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जितना संभव प्रयास करें और अपने घरों से बिना मास्क के तो बाहर बिल्कुल ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें और अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। जनता से क्या कहना? जनता से यही अनुरोध है कि कोरोना से बचने के जो भी मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, उनका प्रयोग तो करते ही रहें तथा जो आगामी त्यौहार हैं उसे भी प्रेम और सौहार्द से मनाया जाए, घरों में रह के नमाज अदा की जाए, क्योंकि एक बार हमने इस कोरोना पर विजय पा ली, दोबारा हम अपने त्यौहार पूर्ववत तरीके से मनाएंगे। और अभी क्योंकि कठिन समय है, हम सबको मिल करके इस बीमारी से लड़ना है, तो जनता के सहयोग से भी की भी अपेक्षा है और पुलिस और प्रशासन तो मुस्तैदी से लगा ही हुआ है इस कारण।